मित्रों, स्वागत है हमारे एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी और बीए के किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म आपको करने हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको आना होगा यूपी स्कॉलरशिप की होम वेबसाइट पे, और आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट में रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। अगर आप SC ST और जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ से करेंगे, और वहीं OBC हैं तो आप बीच वाले सेक्शन से करेंगे। अल्पसंख्यक के लिए आप यहाँ से करेंगे। जैसे मुस्लिम समुदाय से हैं तो आप अल्पसंख्यक में क्लिक करेंगे। तो आपको सबसे पहले BA या BSc के लिए ऑनलाइन फॉर्म करना है। तो मुझे आज BSc के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्कॉलरशिप का करना है, तो हम लास्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इस पे आप 9th का कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आप इंटरमीडिएट का कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप BA BSc के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, तो मित्रों जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना जिला चुनेंगे, और उसके बाद यहाँ पर शिक्षण संस्थान का नाम चुनेंगे, यहाँ पर इसका स्कूल का नाम चुनेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जाति समूह चुनेंगे, जो भी आप कैटेगरी से हैं वो चुनेंगे, उसके बाद जो भी धर्म है वो चुनेंगे आपका। नीचे स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, और यहाँ पर पिताजी का नाम डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर माताजी का नाम डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो अपनी जन्मतिथि डाल देंगे। यहाँ पर लिंक सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कौन से ईयर से आपने हाई स्कूल किया है वो यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जिस भी बोर्ड से आपने किया है वो आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक, यहाँ पर आप नीचे वाले सेक्शन में अपना जो हाई स्कूल का जो अनुक्रमांक है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जिस भी हाई स्कूल आपने विद्यालय से किया है उस स्कूल का नाम यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप दूरभाष केंद्र को छोड़ सकते हैं, और उसके बाद आप ईमेल ID को भरना भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ और यहाँ आपको सेम पासवर्ड आपको बना लेना है, वही पासवर्ड आपको यहाँ और यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पर अपना कैप्चा भरेंगे और सबमिट करेंगे। दोस्तों, जैसे ही कैप्चा भर के आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। तो हम चलिए और भर के कर कैप्चा दिया है। आप मैंने। देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है ये सेक्शन है वो आ चुका है। तो आने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। होने के बाद आपको यहाँ से इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करना है, और इसको प्रिंट भी कर लेना है नेक्स्ट टाइम के लिए, और उसके बाद इसे लॉगिन करना है। लॉगिन किस तरीके से करेंगे आप? तो मित्रों, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। यहाँ से आप आएंगे, उसके बाद फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करेंगे, और पोस्ट मैट्रिक अदर देन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे स्टूडेंट की, उसके बाद यहाँ पर जो है पासवर्ड डाल देंगे जो आपने बनाया था वहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर जो है कैप्चा वाले लेंगे और सबमिट कर देंगे। दोस्तों, जैसे ही सबमिट करेंगे, आपके सामने जो आवेदन है वो खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कोर्स सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी BA BSc है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम BSc कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है कौन से उससे है तो वो आपको करना है, यहाँ पर मैथ से है तो मैथ करना है, कौन सा ईयर है फर्स्ट है दूसरी है तीसरी है तो यहाँ पर फर्स्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर जो है क्या आप लेटरल एंट्री के आधार पर हैं तो नो कर देना है, यहाँ पर आपको दिवा कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम प्रथम वर्ष में तो वो आपको यहाँ पर प्रवेश तिथि यहाँ पर डाल देनी है, और उसके बाद पाठ्यक्रम में वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि वो भी आपको सेम डाल देनी है। अगर पहली साल है और दूसरी साल है तो दूसरी साल के हिसाब से आप डाल सकते हैं। उसके बाद बोर्ड ऑप्टिकल एजुकेशन पंजीकरण क्रमांक, तो दोस्तों अभी इनका पंजीकरण संख्या नहीं है तो वो आपको यहाँ पर एनए कर देना है। उसके बाद बोर्ड एजेंसी का नाम डालना है, तो बोर्ड एजेंसी का नाम तो इनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से ये कर रहे हैं। और उसके बाद अंकों के आधार पर मेरिट का चयन हुआ है तो नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर पात्रता डालनी है, तो पात्रता डालने में आपको इंटरमीडिएट पात्रता डाल देनी है, क्योंकि इंटरमीडिएट से इन्होंने जो है वो उसमें प्रवेश लिया है।
पार्ट क्या आप वर्तमान प्रवेश यानी इसमें हैं तो इसको आपको नो देना है। उसके बाद यदि हैं तो प्रवेश करना है, इसको भी आपको नीचे ही छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर अपनी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की डिटेल फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हाई स्कूल इन्होंने कौन से वर्ष से उत्तीर्ण किया है वो आपको डालना है। तो जो इनका हाई स्कूल उत्तीर्ण है वो सन 2017 में उत्तीर्ण किया है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूर्णांक कितना है हाई स्कूल में वो डालेंगे, प्राप्तांक कितना है वो डालेंगे, उसके बाद प्रतिशत कितना आया है वो डालेंगे। तो दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए अंक में जितने विषय हैं आपके उसे उतने से भाग दे देना है और आपका जो परसेंटेज है वो निकल आएगा। जैसे 419 इनके जो है अंक हाई स्कूल में आए हैं और 6 विषय हैं तो हम 6 से इनका जो है वो भाग दे देंगे। तो इनकी 69.83 इतना इनका आया है। उसके बाद इन्होंने कौन से बोर्ड से उत्तीर्ण किया है, यूपी बोर्ड से किया है। उसके बाद इसी प्रकार आपको जो है कक्षा इंटर की डिटेल की पूरी फिलअप करनी होगी तो हम फिलअप कर लेते हैं। तो जैसे इनके इंटरमीडिएट में 313 नंबर आए हैं तो 313 भाग 5 62.6 और यूपी वर्ड्स। इस तरीके से आपको दोनों सेक्शन जो है वो भर लेने हैं। भरने के बाद एड न्यू आपको नहीं करना है क्योंकि अगर पहले साल आपकी उत्तीर्ण हो चुकी है बीएससी की तो आपको एड न्यू करके वो डिटेल आप फिलिप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहला सेक्शन है आपका कंप्लीट हो जाएगा। होने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है विलेज, एंड पोस्ट, तो इनके हम जो भी एड्रेस है वो डाल देते हैं। दूसरे सेक्शन में आप ब्लॉक, तहसील और जिला आप डाल सकते हैं। उसके बाद इनकी राशन कार्ड संख्या डालेंगे, जो भी इनका राशन कार्ड नंबर है वो डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दिव्यांग में आपको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर 7789, उसके बाद यहाँ पर आई एग्री करना है, अपडेट कर देना है। तो इस तरीके से आपका दूसरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको बैंक डिटेल आपको डाल देनी है तो बैंक डिटेल में आपका जो भी बैंक है वो डालना है, डिस्ट्रिक्ट चुनना है आपको। उसके बाद आपको ब्रांच चुननी है, जो भी ब्रांच है। यहां पर बैंक खाता संख्या डालनी है आपको। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी खाता पर नाम है वो नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालना है, आई एग्री करना है और उसके बाद अपडेट करना है। तो दोस्तों इस तरीके से बैंक डिटेल आपकी फ़िलिप हो जाएगी। उसके बाद रिफंडेबल फीस आपको कितनी डालनी है तो इनके मैटर में हम या फिर इनके केस में 6,000 रुपीज़ स्कूल से पता की है तो वो डाल देते हैं। उसके बाद जो भी आपके स्कूल सेट फीस बताई जाए वही फीस आपको यहाँ पर भरनी है और उसके बाद हम आई एग्री करेंगे और अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको फीस डिटेल आपको डाल देनी है। गत वर्ष की
जो है गत वर्ष का जो एजुकेशन है वो डिटेल आपको डाल देंगे। जैसे इनका लास्ट में इंटरमीडिएट हुआ है तो हम इंटरमीडिएट की डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। ये क्या पास हुए हैं या फेल या फिर प्रमोट हुए हैं तो हम उनको पास कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर वार्षिक परीक्षा प्रणाली में है या सेमेस्टर प्रणाली में, तो यहाँ पर इनकी वार्षिक है। तो उसके बाद यहाँ पर गत वर्ष में वार्षिक अंक प्रणाली, उसके बाद गत वर्ष का प्राप्तांक, तो गत वर्ष का इनका जितना प्राप्तांक है वो डालना है जैसे, और उसके बाद यहाँ पर पूर्णांक डालना है गत वर्ष का, और उसके बाद यहाँ पर शिक्षण संस्थान का नाम डालना है जिस भी शिक्षण संस्थान में इन्होंने जो इंटरमीडिएट है वो उत्तीर्ण किया है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालेंगे, उसके बाद आई एग्री करेंगे और अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको जो है वो सारी डिटेल फिलअप करनी होगी। उसके बाद हम यहाँ पर होम पर टैप करेंगे और उसके बाद इनका जो फोटो है वो अपलोड कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही फोटो पर क्लिक किया और वैसे ही फोटो इनका अभी हम अपलोड कर देंगे, करेंगे फोटो को। तो दोस्तों मैंने इनका फोटो जो है वो डेस्कटॉप पर डाल दिया है, तो यहाँ से हम डेस्कटॉप पर से सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। दोस्तों इस तरीके से इनका जो फोटो है वो सक्सेसफुली लग जाएगा। दोस्तों आपको फोटो जो है वो 20 KB से अधिक नहीं रखना है, और यहाँ पर हम व्यू फोटो करेंगे तो इस तरीके से इनका फोटो जो है वो शो हो जाएगा। इस तरीके से आपको फिर से होम पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इनके जो कागजात हैं आय जात, इनको आपको प्रमाणीकृत कर देना है, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इनके जो कागज हैं उनकी डिटेल फिलअप करेंगे। इस तरीके से आपको डाल देनी है। डालने के बाद तो उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालना है, सबमिट करना है। तो इस तरीके से आप डालेंगे, उसके बाद आपके सामने जो इनका जो प्रकाश का वो है वो आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आ जाएगा आपको देख लेना है कि जिस भी आय प्रमाण पत्र आप नंबर डाल रहे हैं वही इनका नाम इनका यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद आपको वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक करनी होगी और इस तरीके से इनका प्रमाण है वो प्रमाणीकृत हो जाएगा। उसके बाद आपको जात प्रमाण पत्र इसी तरीके से डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो जात प्रमाण पत्र पुराना बना हुआ है तो इनवैलिड बता रहा है। इस तरीके से इनका जो एप्लीकेशन है अभी हम इसको रोक देते हैं। दोस्तों इसी तरीके से इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। आपको आधार नंबर अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर है वो लिंक कर लेना है। दोस्तों इस तरीके से आपकी जो ये वेबसाइट्स है BA BSC की चलने लगी है। मैंने आपको दिखाया किस तरीके से पूरा फॉर्म जो BA BSC का ऑनलाइन करते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपके उस मोबाइल नंबर पे एक मैसेज जाएगा, उसके बाद वो डिटेल पड़ जाएगी और पढ़ने के बाद आपकी जांच की जो प्रिंट है वो स्कूल से आपको जांच करा के ले लेनी है। उसके बाद आपको लॉक कर देना है, उसके बाद आपको प्रिंट फाइनल प्रिंट निकाल लेनी है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, बाकी सेम होगा। 9th और 10th की डिटेल जैसा ही फार्म आपको आगे जो है फिलअप करना होगा। मेन सेक्शन आपको जो था वो आवेदन पत्र कैसे करते हैं, बीच में जो सेकंड